दोस्तों आपको एक लैपटॉप लेना है और आपका बजट 50,000 के नीचे है, नो प्रॉब्लम। ये वीडियो देखिए एंड तक देखिए, छोटा सा वीडियो है, 5 लैपटॉप्स आपको बताने वाला हूँ जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छे हैं अंडर 50,000। जी हाँ, और ये वीडियो जो है लैपटॉप्स का अंडर 50,000 का साल में 2 बार करते हैं क्योंकि ज्यादा लैपटॉप्स चेंज नहीं होते हैं। सबसे पहले मैं 5वें नंबर का बताने वाला हूँ और याद रखिए ये जो 5 लैपटॉप्स है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 5वां अच्छा नहीं है और आपने सिर्फ पहले नंबर का ही लेना चाहिए। अगर किसी को कॉम्पैक्ट लैपटॉप वगैरह चाहिए तो आपने 4th और 5th नंबर के पास देखना चाहिए क्योंकि उसकी छोटी स्क्रीन है। बट मिनिमम बेंचमार्क जो हमने रखा हुआ है वो ये है कि कम से कम दोस्तों i5 10th जनरेशन होना चाहिए, 8GB रैम कम से कम होनी ही चाहिए, साथ में इधर 14 इंच की स्क्रीन अगर छोटा चाहिए तो, या फिर 15.6 इंच की FHD स्क्रीन होनी चाहिए। और हाँ, स्टोरेज के मामले में 512GB SSD यस प्रेफरेबल, नहीं तो 1TB की कम से कम हार्ड डिस्क तो होनी चाहिए। एंड यस, विंडोज प्री इंस्टॉल्ड आना चाहिए। अगर विदाउट विंडोज लेते हो तो जो लैपटॉप की प्राइस है वो थोड़ी कम हो जाएगी। दोस्तों जो 5वें नंबर पे आता है वो है डेल वॉस्ट्रो 3400। जी हाँ, ये अच्छा लैपटॉप है टू बी ऑनेस्ट विथ यू। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो प्रोसेसर है वो 11th जनरेशन का है, i5 प्रोसेसर है, 11th जनरेशन का है, 8GB रैम आती है, 1TB की हार्ड डिस्क है, 14 इंच की FHD स्क्रीन है। इसका मतलब थोड़ा कॉम्पैक्ट लैपटॉप चाहिए तो जरूर इसके पास देखिए। जनरली लैपटॉप का जो साइज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो वी हैव टेकन बोथ 14 इंच एंड 15.6 इंच की स्क्रीन, दिस वन इज 14 इंच। और दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो है 46,990, ऑफर्स में लोगे तो कभी कभी 45 के नीचे भी मिल जाता है, तो उस हिसाब से अगर थोड़ा बजट टाइट है आपका, डेफिनेटली यू कैन लुक एट दिस i5 11th जनरेशन इज द बिगेस्ट प्लस। चौथे नंबर पे आता है MSI मॉडर्न 14, और जैसे नाम वैसे ही दिखने को है दोस्तों, एब्सोल्युटली मॉडर्न दिखने को। अगर मैं कहूं तो दिस इज वन ऑफ द बेटर लैपटॉप्स आउट देयर। इसमें 14 इंच की स्क्रीन है लेकिन इसमें i5 10th जनरेशन आता है, बट यू गेट 512GB SSD, इसीलिए 5वें नंबर नहीं 4थे नंबर पे आता है। उसमें HDD है, इसमें SSD आती है, बाकी सब चीजें तो सेम है। जैसे कहा 14 इंच की FHD स्क्रीन है, 8GB रैम है, इंटीग्रेटेड GPU आता है, ग्राफिक्स कार्ड इंटीग्रेटेड ही है। एंड इसकी जो प्राइस है वो 48,990 है, अगर ऑफर्स में लोगे तो अराउंड 45-46 तक मिल जाएगा। एंड आई थिंक एट दैट प्राइस दिस वन इज रियली गुड वन, हमारी लिस्ट पे नंबर 4 पे है। जो भी लैपटॉप्स बता रहा हूँ सभी के लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, गो एंड चेक इट आउट। और दोस्तों अगर आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए तो ये जो 3 मैं बताने वाला हूं, 3, 2 और 1 के, तीनों भी 15.6 इंच के हैं। तीसरे नंबर पे आता है Acer Aspire 5। जी हाँ, 15.6 इंच की FHD स्क्रीन है, 1TB की हार्ड डिस्क है, SSD होती तो ज्यादा अच्छा होता, बट याद रखिए दोस्तों इसमें i5 11th जनरेशन आता है और इंटीग्रेटेड GPU जो है वो भी Iris Xe है लेटेस्ट वाला। तो ओवरऑल अगर आप इसके पास देखोगे, दिस वन इज डेफिनेटली एट नंबर 3। प्राइस हाँ 1-2 हजार कम होती तो और अच्छा होता, बट 49,999 का है, ऑफर्स में थोड़ा कम मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है Redmi Book Pro। दोस्तों ये सही में अच्छा है, 15.6 इंच की FHD प्लस FHD स्क्रीन तो है ही, बट i5 11th जनरेशन भी है एंड SSD भी आती है, सो सब कुछ जो आपको चाहिए एक लैपटॉप में आपको मिल जाएगा। हाँ, इंटीग्रेटेड GPU है, डेडिकेटेड होता तो और अच्छा होता, बट इसीलिए ये दूसरे नंबर पे है इंटीग्रेटेड GPU की वजह से। और इसकी प्राइस भी अच्छी है, 47,999, और अभी तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों में 2-3 हजार से और कम हो गया, इसका मतलब 45,000 में मिलता है। सो एग्रेसिवली प्राइज्ड है Redmi Book Pro एंड i5 11th जनरेशन प्लस SSD होने की वजह से ये जो है हमारी लिस्ट पे आता है नंबर 2। नंबर 1 पे आता है Acer Aspire 7। क्यों आता है? क्योंकि इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, 1650 विद 4GB रैम, ये ग्राफिक्स कार्ड आपको मिलता है दोस्तों, जिसकी वजह से आप इसके ऊपर गेमिंग भी कर पाओगे। हाँ, सुपर हैवी गेमिंग नहीं, बट गेमिंग भी कर पाओगे, थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग भी कर पाओगे। इसकी प्राइस अराउंड 51,000-53,000 के करीब होती है, ऑफर्स में 50 के नीचे मिल जाता है, बट इट इज वर्थ इट। अगर 50,000 आपका बजट है, 1-2 हजार से इवन आप स्ट्रेच करेंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि i5 10th जनरेशन मिलता है, SSD मिलती है 512GB की, डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, 15.6 इंच की FHD स्क्रीन मिलती है। सो ओवरऑल देखोगे प्राइस एंड जो भी ये ऑफर करता है, डेफिनेटली हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे आता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग हमें कमेंट्स में पूछते हैं कि हमें लैपटॉप खरीदना है 30,000-50,000 बजट। वैसे 30,000 का भी वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है, बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 30,000, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। वैसे इस वीडियो का कुछ फायदा हुआ तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप अग्री नहीं करते हो और कोई लैपटॉप होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।